दूरदर्शन उत्तर प्रदेश की इलेक्शन टीम आज मौजूद है प्रतापगढ़ में, वही प्रतापगढ़ जो सई नदी के किनारे है, वही प्रतापगढ़ जो पौराणिक काल में गंगा अवतरण का साक्षी रहा है, वही प्रतापगढ़ त्रेता युग में राम वन गमन मार्ग का साक्षी रहा है, वही प्रतापगढ़ जो साक्षी बना स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी और नेहरू के विदेशी वस्त्रों की होली जलाने का भी। ये वही प्रतापगढ़ है जहां पर साहित्य और क्रांति दोनों साथ साथ पनपी। यहीं पर सुमित्रा नंदन पंत, आद्या प्रसाद उन्मत्त, इमरान प्रतापगढ़ी जैसे तमाम साहित्यकार पैदा हुए। यही नहीं, धार्मिक क्षेत्र में भी कहे तो कर्पात्री जी महाराज, कृपालु जी महाराज, शंकराचार्य अभिमुक्त सुशरानंद भी यहीं पर पैदा हुए। निश्चित रूप से अगर हम बात की शुरुआत करना चाहें तो जुमई खां आजाद की उन दो लाइनों से जो आजाद भारत की उस व्यवस्था को दिखाती थी जिसमें उन्होंने कहा कि कथरी तुहार गुण उजाने जे करे गुजारा कथरी माँ लोटे लड़का सयान सारा परिवार बेचारा कथरी माँ। और इस तरह से जब यात्रा शुरू होती है और 2024 का यह लोकसभा चुनाव आता है तो प्रतापगढ़ की जनता क्या सोचती है, क्या चाहती है, क्या जानना चाहती है, क्या पिछली सरकारों से चाहती थी, आने वाली सरकारों से उसको भरोसा क्या है, इन सब को जानने से पहले आइए देख लेते हैं अपनी ये रिपोर्ट। आंवला नगरी के नाम से मशहूर प्रतापगढ़ सियासत में भी आंवले की तरह ही है। यहाँ की सियासत आंवले के स्वाद की तरह ही खट्टी मीठी रहती है। क्षेत्रीय दलों की सीट पर अहम भूमिका होती है। क्षेत्रीय दलों के सपोर्ट के बिना इस सीट पर कब्जा करना किसी पार्टी के लिए आसान नहीं होता। इस सीट पर कुंडा से विधायक और जनसत्ता दल के अध्यक्ष राजा भैया का वर्चस्व माना जाता है। प्रतापगढ़ की राजनीति पूरी तरह से उनके इर्द गिर्द सिमटी हुई है। हालांकि वो कभी लोकसभा चुनाव नहीं लड़े हैं, न ही इस बार लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी भूमिका लोकसभा चुनावों में काफी अहम हो जाती है। जिस दल को वो सपोर्ट करते हैं उस दल की जीत लगभग तय मानी जाती है। इनके चर्चे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि राजा भैया ने इस बार किसी भी दल को अपना सपोर्ट नहीं दिया है। अब इसके पीछे का कारण भी आप समझिए। बीजेपी सपा कैंडिडेट के साथ 36 के आंकड़े, किसी एक दल को समर्थन देने से सियासी समीकरण बिगड़ने का खतरा। राजा भैया काफी लंबे समय तक सपा के साथ गलबहियां करते रहे हैं। मुलायम सिंह से लेकर अखिलेश यादव तक की सरकार में राजा भैया मंत्री भी रहे हैं। सूबे में सत्ता बदलने के बाद से राजा भैया की दूरी सपा से बढ़ गई थी, लेकिन उन्होंने किसी भी दल के साथ हाथ नहीं मिलाया। अब हाल के दिनों में उनके रिश्ते अखिलेश यादव से फिर से सुधरे हैं। ऐसे में राजा भैया लोकसभा चुनाव में शायद बीजेपी को समर्थन देकर फिर से सपा के साथ अपने रिश्ते खराब करना नहीं चाहते। लेकिन फिर भी प्रतापगढ़ की सीट पर बीजेपी मजबूत दिखाई दे रही है। कारण है उसका लगातार यहां से दो बार चुनाव जीतना और जनसत्ता दल के प्रत्याशी का चुनाव हारना। एक बार 2019 के नतीजों पर भी नजर डाल लेते हैं। संगम लाल गुप्ता बीजेपी 4.36 लाख वोट, अशोक कुमार त्रिपाठी बीएसपी 3.18 लाख वोट, राजकुमारी रत्ना सिंह कांग्रेस 77.09 हजार वोट, अक्षय प्रताप सिंह जनसत्ता दल 46.96 हजार वोट। प्रतापगढ़ से राजा भैया ने 2019 में अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारा था, लेकिन जनसत्ता दल को बुरी हार मिली थी। हालत ये हो गई थी कि 50,000 वोटों का आंकड़ा भी नहीं पार हुआ था। इसलिए राजा भैया के सपोर्ट के बिना भी बीजेपी यहां मजबूत है और पार्टी ने यहां हैट्रिक लगाने के लिए एक बार फिर से अपने पुराने खिलाड़ी पर ही दाव लगाया है। बीजेपी संगम लाल गुप्ता एसपी, एसपी सिंह पटेल बीएसपी प्रथमेश मिश्रा। प्रतापगढ़ सीट पर कुर्मी वोटर्स की तादाद ज्यादा है, जिस वजह से यहां कुर्मी वोटर्स को हर दल साधने में लगे होते हैं। इस चुनाव में भी हर दल की कोशिश यहां के बाहुल्य वोटर्स को साधने की है। अब इन सभी सियासी गठजोड़ के बीच प्रतापगढ़ की जनता किसको सत्ता की चाबी देगी, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। अगर साहित्य सृजन के क्षेत्र की बात कही जाए तो हरवंश राग बच्चन का भी कहीं ना कहीं नाम छूटता हुआ दिखाई देता है। बात उनकी भी करेंगे, लेकिन बात सबसे पहले शुरू करेंगे जो एकदम आसन्न है चुनाव हमारे सामने, जहां पर जनता ने को अपना मत देना है, जहां जनता ये बताएगी कि 2024 में उसका भाग विधाता कौन होगा, प्रतापगढ़ की रचना कैसी होगी, प्रतापगढ़ में लोग किसको चाहते हैं, उनके मुद्दे क्या हैं। नाम बताएं। और मैं समाजवादी पार्टी उपाध्यक्ष जावेद अख्तर एडवोकेट नाम है हमारा। अभी जो है इंडिया गठबंधन का माहौल है, चारों तरफ इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं रोज लोग,
रोजी रोटी, नौकरी और महंगाई मेन मुद्दा है और इंडिया गठबंधन वाले ये विश्वास दिला दिए हैं कि रोजी रोटी, नौकरी और महंगाई कम करेंगे। 10 साल की जो सरकार चली, क्या कहेंगे? हमारे प्रधानमंत्री जी अभी आए थे 16 तारीख को, 28 मिनट का भाषण दिए। 28 मिनट में ना तो कोई व्यवसाय की बात किए, ना तो कोई रोजगार की बात किए, ना तो कोई महंगाई की बात किए, ना तो कोई किसानों की बात किए, केवल ठका ठक किए बस। ना तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, ना तो महिलाओं की सुरक्षा की बात किए। इनका केवल जुमला है बस, जुमलों की बरसात की। 28 मिनट में कुछ तो बोला होगा। 28 मिनट में सिर्फ ठका ठक बोले, खटाखट खटाखट। ये जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे मुखिया हैं, हमारे गार्जियन हैं। ये भाषा उन शैली खटाखट वाली प्रतापगढ़ की जनता को नहीं समझ में आई। अब तक की जो सरकार रही, हम लोगों ने जम करके इनका साथ दिया, वोट दिया और सहयोग किया और हिस्से में जुमला मिला। जैसे अभी एक छोटा उदाहरण बता दें, माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था 40 दिन में सहारा का पेमेंट कर देंगे, और कितने दिन हो गए 40 रुपए नहीं मिले। और जितने भी आश्वासन सुविधाएं देने का लालच और ढिंढोरा पीटा, एक भी नहीं जोड़ा। बच्चों को पढ़ाने में हमने अपना जीवन समर्पित कर दिया, पेपर लीक हो जाता है। किस तरह से हम लोग, खेती की स्थिति क्या है कि जहाँ 10 कुंटल दाल बेचते थे, अब 1 कुंटल खरीद रहे हैं। इस स्थिति में बच्चों को पढ़ा करके किस दिशा में ले जाएं? ऐसी सरकार से जब हमारी जीने का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। ये क्या दे रहे हैं, क्या ले रहे हैं, इसका क्या औचित्य रह जाता है? इसका अन्यथा न लीजिएगा, केवल 10 साल की ये सरकार रही है। 10 साल पहले क्या ये जो दुश्वारियां अभी 10 सालों में आई, जिनका वर्णन आप कर रहे हैं, ये तब भी थी या इन 10 सालों में आई? इन 10 सालों में जो देखने को मिली, ये पहले नहीं थी। ये 10 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो 10 साल पहले हमारे यहाँ सिलेंडर 450 में मिलता था, जो आज 1000 में हो गया है। स्मृति ईरानी 450 में सिलेंडर ऊपर लिए घूमती थी, आज वही मिट्टी में आई हुई है। एक सवाल तो हम भी कर सकते हैं कि 10 साल नहीं 20 साल पहले सोना किस भाव रहा होगा? जी जी, और 10 साल बाद सोना क्या? 10 साल बाद क्या, आज की स्थिति बताइए आप। आज 83,000 में है, और डॉलर भी हमारा जो बताते थे हमारे प्रधानमंत्री जी, डॉलर जिस देश का डॉलर का दाम घटता बढ़ता है और रुपया घटता है, तो उस देश की प्रधानमंत्री की बेइज्जती होती है। प्रतापगढ़ के संदर्भ में अगर बात करें, तो आपने जिस जनप्रतिनिधि को चुना होगा जी, उसने क्या कुछ किया? हमारे जनप्रतिनिधि ने कोई काम नहीं किया। एक नया काम करने जा रहे हैं, अपने पास में अंडर पास बनवा दे रहे हैं। जहाँ ओवरब्रिज बना हुआ है वहाँ अंडर पास बनवा दे रहे हैं। जहाँ आवश्यकता हमको यहाँ पर जेल रोड पर है, हमको भंगवा चुंगी रोड पर है अंडर पास की, यहाँ पर नहीं बनवा रहे हैं। वो अपने घर के पास नजदीक जहाँ कर ओवरब्रिज बना हुआ है वहाँ पर अंडर पास बनवा दे रहे हैं। इतना बड़ा काम किया उन्होंने। हम कर्मचारियों का पेंशन बंद कर रहे हैं। शिक्षा सुरक्षा सम्मान सब पर प्रतिबंध लग रहा है। शिक्षा व्यवसायीकरण हो जा रहा है। ये सब हमको पेंशन चाहिए, पुरानी पेंशन। हम अपनी मांग करना चाहते हैं कि हमें पुरानी पेंशन दी जाए। कर्मचारी आज बहुत ही दुखी है, और वो अपनी मांग को जो है कई जगह से किया गया कि हमें पुरानी पेंशन दी जाए, और पुरानी पेंशन की कहीं पे सुनवाई नहीं हो रही है। पुरानी पेंशन तो एक मुद्दा है आपका, कर्मचारियों का मुद्दा है, लेकिन एक बात ये होती है कि 10 साल सरकार चली है केंद्र में, 5 साल चली है, 7 साल लगभग चली है उत्तर प्रदेश में। दावा है सरकार का, मेरा नहीं, मैं अगर कुरेदता हूँ कोई चीज तो इस बात के लिए कि जो कुछ आपका बचा हो वो भी बाहर आए। राष्ट्र स्तर पर सरकार की जो भी कार्य हो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम लोग कर्मचारी हैं, हम पेंशन की ही मांग करेंगे। और खेल चुकी हम खिलाड़ी भी हैं, और खेल पे हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अभी कोई स्टेडियम नहीं बने हैं। जो हमारे स्टेडियम है वो छोटे हैं, हम उनका चाहते हैं कि विनतीकरण हो, उसका बढ़ोतरी हो, और जो हमारे यहाँ के खिलाड़ी हैं वही खेलें, बाहर के खिलाड़ी ना आए खेलने। बाहर खिलाड़ी नहीं आएंगे तो कंपटीशन कैसे आपका होगा? बाहर के खिलाड़ी को प्रशिक्षण ना दिया जाए, हमारे यहाँ के खिलाड़ी को प्रशिक्षण दिया जाए। क्योंकि बाहर के खिलाड़ी को स्टेडियम अलग से बने हुए हैं, हमारे यहाँ के स्टेडियम जो बने हमारे लिए बने हुए हैं, ना कि बाहर के लिए बने हुए हैं। कहीं कहीं देखिए तो बाहर के ही खिलाड़ी आके यहाँ पे खेल रहे हैं और उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। मेरी बस एक मांग है, चाहे जो राजनीतिक दल हो, जो पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली की बात करेगा, राज्य कर्मचारी उसी की बात करेगा, उसी के लिए सोचेगा। अन्यथा राज्य कर्मचारी उनके लिए कभी नहीं सोचेगा जो पुरानी पेंशन व्यवस्था की बात नहीं करेंगे दोबारा। और अगर बात आपको बता दें, यदि राजनीति
समाज सेवा है तो इनको वेतन और पेंशन क्यों? और यदि वो नौकरी है तो उनकी शैक्षिक योग्यता क्या है? देखिए 10 साल से लगातार केंद्र में सरकार है और 7 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार है। क्या कारण है कि चुनाव आने के बाद ये दूसरे नेताओं की भाषा बोलते हैं? अगर राहुल जी ठकाठक खाते में पैसे देने की बात करते हैं तो दूसरे दिन ये खटाखट बोलना शुरू कर देते हैं। वो अडानी की बात करते हैं तो ये भी अडानी की बात करना शुरू करते। आखिर इनके पास अपना क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पर बात क्यों नहीं करते? क्या जरूरत पड़ जाती है सिर्फ धर्म पे ही बात करते? आखिर क्या मूलभूत सुविधाओं से जनता को वंचित करना चाहते? क्या समाज में जनता को सिर्फ और सिर्फ धर्म से चलाएंगे? ये धर्म हमारा पर्सनल व्यक्तिगत विषय है। राम हमारे हैं, हम सबके हैं। उनको न लाने वाला कोई था, न लाने वाला पैदा हुआ है। आपको रोजगार पे बात करनी चाहिए, आपको शिक्षा पे बात करनी चाहिए, आपको समाज में समरसता पर बात करनी चाहिए, लेकिन जब से आप आए हैं केवल विखंडन का काम किया है। बात करती है सरकार वो जो इनके नेता करते हैं उसका केवल प्रतिउत्तर देती है। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इन 10 सालों में क्या नहीं किया है ये हम जानना चाहते हैं। जो भी कुछ किया है भाजपा ने, क्या मोदी योगी ने क्या नहीं किया है? सुरक्षा के लिए कि बताइए, पहले जो है महिलाएं क्या बाहर निकल सकती थी? नहीं निकल सकती थी। आज हमारी बहू बेटियां रात को वापस आती हैं, सुरक्षित आती हैं। कैसे आती हैं? हम बाहर निकल रहे हैं, सारे जो है जेंट्स लोग हैं, सब जो है रखवाली करते हैं हम लोगों की। मोदी योगी के राज में कोई का भी ये हिम्मत नहीं है किसी महिलाओं को छू दे, ऐसा नहीं हो रहा है। तभी से सुरक्षा ही जारी हुई है। पहले के समय में क्या था? चीरण होता, खींच रहे थे महिलाओं को, कितना रेप होता था आप देखते थे खुद ही। आए दिन रेप होता था, कहीं खींच के ले जा रहे हैं कि छोटी छोटी बच्चियों का रेप होता था। लेकिन आज के समय में वो सुरक्षा है महिलाओं की और बच्चों की भी सुरक्षा है। आज हमारी बच्ची स्कूल जाती है तो हम कहते हैं कि नहीं सुरक्षित है, वो समय पे आती है तो मुझे कोई चिंता नहीं होती। देर होती है तब भी कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये सुरक्षा मोदी योगी के समय में है। और रही रोजगार की बात, ऐसा नहीं है रोजगार नहीं मिल रहा। ये राम जन्मभूमि का जो बना हुआ है केवल एक राम जन्मभूमि मुद्दा नहीं है, उसके लिए हम लोगों का वो राम जन्मभूमि सारे लोगों की मंदिर है, सारे लोगों के सनातन का वो मंदिर है, सबके लिए, केवल मोदी योगी का नहीं है। उन लोगों ने लाया है, प्रयास किया, एज को पार कर जा रहे हैं, फिर ना वो घर के रह जाते हैं ना घाट के, तो रोजगार के अवसर तो बिल्कुल, ये सरकार रोजगार, शिक्षा, इन सब के एकदम खिलाफ है। जिस तरह से संस्थानों का निजीकरण हो रहा है, हमारे गरीबों के बच्चे कहाँ अच्छे कॉलेज में, हम हमारे बच्चे बीएड करने जाते हैं, मेडिकल कॉलेज ढूंढते हैं तो गवर्नमेंट ढूंढते हैं कि हमारा एडमिशन वहाँ हो, लेकिन कहाँ हो पा, सबका निजीकरण बेच दिया जा रहा है। जिन चीजों को आपने बनाया नहीं अपनी सरकार में, उसको बेचने का मैं प्रधानमंत्री जी से सवाल करती हूँ। जब आपने बनाया नहीं तो बेचने का हक कहाँ से रखते हैं? इन सारे लोगों ने एक सुर में यह कहा कि वर्तमान सरकार ने रोजगार के क्षेत्र में, काम के क्षेत्र में पर्चा लीक एक बड़ा मुद्दा उठाया सबने, जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। जब आप क्या होया? पर्चा लीक गलत मुद्दा उठाया इन्होंने, जो मुद्दा उठाया इनके ही समझ में ये है कि है, अगर सरकार में पर्चा लीक हुआ तो पहले की सरकारों में जब पर्चा लीक होता था तो जो परीक्षार्थी थी उसको मूव करके जो है उनको नौकरियां दे दी जाती थी। हमारी सरकार में कम से कम ये तो है कि अगर ऐसी कोई असुविधा, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, सरकार उसका पुरजोर विरोध कर रही है, उसके ऊपर कार्यवाही कर रही है। बहन जी कह रही थी कि स्त्रियां जो है सुरक्षित नहीं है, मातृत्व योजना, इतनी सारी योजनाएं, मातृत्व योजना से लेके लड़कियों के जन्म से लेके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेके बेटियों की शादी तक की योजनाएं केंद्र सरकार चला रही है, कहां बेटियां सुरक्षित नहीं है? देश का हर वर्ग सुरक्षित है। सर मैं एक छात्र हूं और मैं आपने बहुत संक्षेप में बोलूंगा, हमारे प्रधानमंत्री जी को लेके कुछ बातें होंगी और कुछ बातें उनकी योजनाओं के लेके होंगी। अभी हमारे यहाँ पे जो पार्टी सत्ता में है, 5 किलो राशन देती है सर, इतना बड़ा मुद्दा बनाया जाता है, कारण क्या है सर? हमारा देश, इसमें तो सिर्फ खुशी जाहिर करनी चाहिए ना कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था अच्छी है कि 5 किलो राशन 80 करोड़ लोगों को दे सकते हैं, इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाने की क्या जरूरत है? जबकि पड़ोसी मुल्क में एक रोटी के लिए लड़ाई हो रही है। लेकिन हम काबिल हो तो इस पर खुशी जाहिर करनी चाहिए, इसको पॉलिटिकल मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? क्या दूसरी पार्टियां ना, कृषि प्रधान देश है ये, रो नहीं रहा है खाने के लिए? सारे एग्जाम एनटीए कंडक्ट करा रही है, एनटीए की इतनी हिम्मत नहीं रह रही को फ्री एंड फेयर एग्जाम कंडक्ट करा रही है। इलेक्शन हो जा रहा है, इलेक्शन कराने में समस्या नहीं आएगी, इलेक्शन होगा अपने मन के हिसाब से होगा, इलेक्शन फेयर होगा, पर्चा लीक होगा। सरकार 10 साल की कैसी चली? सरकार अच्छी है, बहुत अच्छी चल रही है। किन चीजों से आप सबसे ज्यादा खुश? खुशी तो देखिए, सबसे पहला तो जो है राम मंदिर बना है, आस्था का विषय है, और इसे चूंकि इसके लिए तो बहुत कुर्बानियां दी गई, आंदोलन किया गया, ये सब सारी चीजें की गई, ये तो किया गया है, इससे तो खुशी बहुत है। लेकिन
अब जहाँ तक कामों की बात करिए तो वो तो कुछ नहीं है, वो तो सिर्फ दिखावा है, मगर बाकी काम तो हुआ नहीं है। मुद्दे का समाधान आवश्यक था या नहीं? निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि मुद्दा ये होना ही नहीं चाहिए था, और राम तो आस्था का विषय है। निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार जब रही है तो सब लोग जानते हैं कि मंदिर मुद्दा और ताला खुलवाने का काम किसने किया, फिर सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा मुद्दा, सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आया है, ना कि भाजपा का निर्णय है। तो जब सुप्रीम कोर्ट का के मुद्दे सर राम मंदिर बना है तो स्वागत है, हम लोग स्वागत कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन ये लोग आस्था के नाम पर, धर्म के नाम पर केवल राजनीति करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा में आपने इनकार कर दिया? नहीं, प्राण प्रतिष्ठा माना कहां गया? ऊपर तो गुंबद अभी भी नहीं बना हुआ है। हमारे यहाँ तो होता है, मंदिर बन जाता है पूरा विधिवत, ऊपर हमारा पताका लगता है, ध्वज, धर्म ध्वज, पताका कहाँ लगा है? वो गुंबद नहीं है। अब क्यों वो कर रहे हैं भाई? चुनाव के लिए कर रहे हैं ना, ये जनता बेवकूफ थोड़ी है, मूर्ख नहीं है। अब मंदिर का निर्माण होने देते, निर्माण हो जाता, हम स्वागत पहले भी करे थे, अब भी कर रहे हैं, आगे भी करते। भाई साहब से आपने पूछा कि क्यों नहीं गए राम मंदिर, मैं बताता हूँ क्यों नहीं गए राम मंदिर। आपसे पूछा गया कि क्यों राम मंदिर नहीं गए, मैं बताता हूँ क्यों राम मंदिर नहीं गए, क्योंकि वहाँ राम भक्तों पर गोलियां चलवाने वाले किस मुंह से राम मंदिर जाएंगे? उनके साथ हैं तो किस मुंह से राम मंदिर जाएंगे? गुजरात ना बताइए, राम मंदिर का बताइए। आपने बोला तो हमने कुछ नहीं बोला, यहाँ क्या कहते हैं एटीएल बोला जाता है। रोजगार इन्होंने बहुत दिया, सपा सरकार ने बहुत रोजगार दिया, एटीएल फैक्ट्री बंद करवा के। किस सरकार में बंद हुई थी एटीएल फैक्ट्री? अब कब बहाल होगी? भाजपा सरकार में होगी। अब तुरंत 70 सालों में लड़का पैदा होता तुरंत बड़ा होके वो नहीं कर, लड़का पैदा होगा तुरंत क्या कमाने नहीं लगेगा? वो 10 ही साल हुए, उसमें 3 साल कोरोना काल के, अब डिबेट छोड़ के भाग जाएंगे वो। चलिए भाई साहब, मैं युवा हूँ, रोजगार की बात की जा रही है, मैं युवा हूँ, रोजगार की बात यहाँ की जा रही है कि राज्य में 2017 के बाद भाजपा की सरकार आई है। 2017 के पहले जो हत्याएं होती थी, जो हत्याएं कराते थे उन्हीं को, वही रोजगार के लिए परेशान है भाई साहब। जो 2017 के पहले पर डे हत्याएं होती थी और उसी से इन लोगों का रोजगार चलता था, आज वही बंद हो गया था। अब ये लोग रोजगार कर रहे हैं, रोजगार की चिंता कर रहे हैं लोग। अरे पढ़ाई करिए, आगे बढ़िए। 17 के पहले परेड़े हत्या होती थी और उन्हीं से इनका खर्चा चलता था, इनके आका लोग उसी से खर्चा चलाते थे, बता रहे हैं रोजगार। अरे चश्मा बदल लीजिए। अभी हमारी बहन ने एक प्रश्न उठाया, बहुत तार्किक प्रश्न उसका था, और एक प्रश्न हमारे बड़े भाई नेताजी चले गए, नीरज जी ने एक प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा ये लोग जब भी मिलते हैं, जहां भी मिलते हैं, जिस हालत में मिलते हैं, सिर्फ एक बात करते हैं, राम राम राम। राम मेरे तन में है, मेरे मन में है, मेरे हृदय में है, इसलिए राम राम तो जीवन पर्यंत करूंगा, जन्म से लेकर मृत्यु तक करूंगा। विषय जो ये नहीं करते वो ये नहीं करते कि ये तो राम को काल्पनिक मानते हैं। जो राम को काल्पनिक मानता है वो गुंबद की बात क्यों करता है? उसको गुंबद से क्या लेना देना? गुंबद मैं तय करूंगा कि गुंबद है या नहीं है। काल्पनिक बात करने वाला व्यक्ति गुंबद की बात नहीं कर सकता, वो राम को काल्पनिक बताते। आप सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देते हो, आप सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देते हो कि राम काल्पनिक थे। अगर सुप्रीम कोर्ट का एफिडेविट झूठा है तो आप क्या कहते हैं? आप बताइए ना, क्या फिर एफिडेविट आपने दिया था कि नहीं दिया था? एक विषय। दूसरा विषय, बहन ने मुद्दा उठाया बेरोजगारी का। उन्होंने कहा सारा कुछ बेचा जा रहा। मेरे मित्रों, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूँ, प्रतापगढ़ तक सीमित हूँ, इसलिए आपसे जानना चाहता हूँ कि प्रतापगढ़ के रोजगार की एकमात्र व्यवस्था एटीएल थी, जिसमें हजारों लोगों को रोजगार था, उस एटीएल को बेचने वाला कौन था, और बेचा गया तो क्यों बेचा गया? आपके मतलब खोदे हुए गड्ढे को पाटने में हम लोगों को 10 साल लगा, अब जाकर 800 करोड़ रुपया जमा करके एटीएल को पूरा चालू करने जा रहा हूँ। देखिए, राम और अल्लाह तन तन में है, हर कण में है, लेकिन इलेक्शन के समय नहीं होना चाहिए। राम
राम मुद्दा नहीं होना चाहिए, इलेक्शन के समय व्यवसाय मुद्दा होना चाहिए, नौकरी मुद्दा होना चाहिए, रोजगार मुद्दा होना चाहिए। हमने सारी बातें सुनी, सबने अपनी बातें रखी, हमको कोई बात नहीं रखना है। हमको ये पूछना है सबसे, प्रतापगढ़ में किस चीज का रोजगार है? प्रतापगढ़ में अगर आप पता करेंगे सबसे बड़ा रोजगार ट्रांसपोर्टर का है, ट्रांसपोर्टर का है, आंवला प्रोडक्ट है। आंवला प्रोडक्ट की मैं बात नहीं करूंगा, मैं ट्रांसपोर्टर की बात करूंगा, क्योंकि मैं अपने उस ट्रांसपोर्ट से हूं। हमारे पास 18 गाड़ियां थी, आज की डेट में 4 गाड़ी बची है। बात कर रहे थे टैक्स की, बात कर रहे थे टैक्स इस तरह से है कि आप क्वार्टरली टैक्स 12,000 लेते हैं, उसके बाद रोड टैक्स अलग लेते हैं, और उसके बाद जो हम लोग का बिजनेस था सबसे बढ़िया, हम लोग का बिजनेस नेपाल से था। आज की ये स्थिति हो गई कि नेपाल चाइना के पास चला गया और इस बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। आप चाहे गोंडा, बहराइच, बस्ती, जितने हमारे मतलब यहाँ से व्यापारी थे, हम लोग के गिट्टी, बालू, मोरंग ये सब जाते थे, इनकी बड़ी ही स्थिति खराब हो गई है। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ लोकसभा सांसद जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सदन में कहा था हमारा प्रत्येक सांसद एक एक गांव गोद लेगा, क्या वो अभी गोद में ही है या पैदल चलने लगा या दौड़ने लगा है? जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि सीमा पे हमारे भाई लोग रात दिन लगे हुए हैं, हमारे साथ में हर नेता के पीछे 2 गंधारी लगे हुए हैं। लेकिन जब बात आती तो मैं सभी पार्टी सवाल करना चाहूंगा कि जब पेंशन की बात आती है तो सब लोग, सारे विधायक और सांसद जितनी बार जीतते हैं उनको पेंशन मिल जाती है, 4 पेंशन, 5 पेंशन, 6 पेंशन। जब आती है हमारे भाइयों की जो सीमा पे जान गंवा रहे हैं, उनकी विधवाएं आज रो रही हैं, जब हमारे सिपाही भाई रात दिन खड़े हुए हैं, गन लटकाए यहाँ पर भी खड़े हुए कंधे पर, इनको कौन पूछने वाला है? 60 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे, इनको गन उठाने का जो है ताकत नहीं रह जाएगी, तब कोई नेता, कोई विधायक उनका आंसू पोंछने नहीं जाएगा। हम सरकार से यही सब करते हैं कि उनको पेंशन दिया जाए। 2007 से 2012 तक बसपा शासनकाल में मायावती ने सिर्फ पत्थर लगवाने का कार्य किया, और 12 से 17 के बीच में समाजवादी पार्टी ने एक जाति विशेष को नौकरी देने का कार्य किया। एसडीएम यूपीएससी में अगर रिजल्ट आता है तो 54 यादव होते हैं, इटावा मैनपुरी कन्नौज से 30,000 सिपाही भर्ती होते हैं, और उसके बाद विकास की बात करते हैं, प्रतापगढ़ से लेकर जगनीपुर तक जेल रोड होते हुए राज्य सड़क सीमा की तहत जो है 21 किलोमीटर की ए ग्रेड की सड़क बनी है, 35 से 40 मिनट में आप जगनीपुर पहुंच जाते हैं। भोपिया मऊ से लेकर प्रयागराज तक सड़क बनी है, उस फोर लेन उसके साथ आप 25 से 30 मिनट में प्रयागराज फाफा मऊ पहुंच जाते हैं। मेडिकल कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय, उसके बाद 100 बेड का हॉस्पिटल, पॉलिटेक्निक, मिनी स्टेडियम का कार्य भारतीय जनता पार्टी के सरकार में होता है, और साथ में ये कहते हैं विकास नहीं हुआ। जहां आप खड़े हैं यहां से गाय घाट तक जाइए, वो रोड आप देख लीजिए, 5 मिनट लगता है आपको गरवारा पहुंचने में। बात करते हैं विकास की, शिक्षा का माहौल खराब करने का पूरा कार्य समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया है। इनको छटपटाहट इसलिए है कि ये भूमाफिया लोग हैं, अराजक तत्व वाले लोग हैं, इनको भूमाफिया जो भूम कब्जाने का कार्य नहीं हो पा रहा है, बाबा इनके घर पर बुलडोजर चलाने का कार्य कर रहे हैं, तो इनको छटपटाहट हो रही है कि कार्य नहीं हुआ। प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ आंवले के लिए भी जाना जाता है। मैं इतनी देर से प्रयास कर रहा था कि हो सकता है आंवले का जो खट्टापन है पानी पीने के बाद जो मिठास आती है उसकी, वो हो सकता है आए, अभी तक आई नहीं है। कोशिश करते हैं, फिर करते हैं। देखो हमारे अभी लल्लू भाई हमारे बड़े लल्लू भाई अभी जो है बहुत सुयोग्य व्यक्ति है। अभी उन्होंने एक शब्द कहा कि प्रधानमंत्री ने खटाखट। अरे प्रधानमंत्री ने बात आंवले की है, एक उसकी बात, प्रधानमंत्री जी के खटाखट पर मत जाइए, प्रधानमंत्री जी के खटाखट पर मत जाइए। अरे योगी का खटाखट देखिए, 7 साल से माफियाओं के खिलाफ खटाखट खटाखट टिकट गिराने का काम हो रहा है। मैं यहाँ यह जनपद ODOP कार्यक्रम के तहत आंवले को माननीय योगी जी ने प्रोत्साहित करने का काम किया है, और आज के पहले जो है आंवला जो है पहले वन उत्पाद में आता था, जिससे इन लोग को जो अभी ट्रांसपोर्टर बात कर रहे थे भाई, दो दिन तीन तीन दिन गाड़ियां रहती थी और सड़ जाने का काम आंवला जब तक ऊपरी इनकम नहीं।
हमारी सरकार ने उसको कृषि उत्पाद में कन्वर्ट कर दिया। कृषि उत्पाद कन्वर्ट होने से आज की डेट में उनको मंडी शुल्क उनका खत्म हो गया, जिससे उनका कच्चा माल जैसे टूटता है और वह जहां बेचना चाहते हैं या उससे उत्पाद बनाना चाहते हैं वह सुगमता से उत्पाद बनने का काम। और पहले फैक्ट्रियां इन 10 सालों में हमारे यहाँ मुद्रा लोन के तहत तमाम करीब 35% सब्सिडी है और 35-40 नई फैक्ट्रियां जन्म लेने काम किए हैं। प्रतापगढ़ जिला भी उन्हीं उत्तर प्रदेश के 80 जिलों में से शामिल है जहां पर उमंग है इस बात को लेकर के कि लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, लेकिन इस महापर्व में अपनी भागीदारी कैसे सुनिश्चित करें और किस तरह से अपने उम्मीदवारों का चयन करें जो उनके जन कल्याण के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनकी खेती के लिए, उनके व्यवसाय के लिए हर दम खड़ा रह सके। और इसी अपेक्षा के साथ वो निश्चित रूप से मतदान भी करेंगे। विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, DD News, लखनऊ।